नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में जम्मू तवी जोधपुर ट्रेन के ठहराव को लेकर अभी तक भी संशय बरकरार है और कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरीके की संभावनाएं व्यक्त भी की जा रही हैं कि आखिर इस ट्रेन का ठहराव डबवाली में कब होगा और आखिर किन कारणों से डबवाली को इस ट्रेन के ठहराव से महरूम रखा गया। सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों का जुड़ाव कई तरीके से, धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और व्यवसाय के साथ साथ लोगों का सामाजिक तौर पर भी बड़ा रिश्ता है, क्योंकि इसी ट्रेन के माध्यम से चाहे ब्यास की बात करें, अमृतसर की बात करें, वैष्णो देवी की बात करें, आप बीकानेर की बात करें, तो कई तरीके का लगाव डबवाली आदर्श रेलवे स्टेशन का रहा है। लेकिन अभी तक इस कारण का किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर किस सबसे बड़ी वजह से डबवाली को इस ट्रेन के ठहराव यानी कि इस सफर से महरूम रखा गया। लेकिन इन सब के बीच में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की तरफ से डबवाली के रेल संघर्ष समिति के एक शिष्टमंडल की मुलाकात रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से करवाई गई है और उसके बाद किस तरीके का इनपुट्स रहा, क्या आउटपुट निकल कर आया और किस तरीके के फैक्ट्स इस बात में हैं, हमेशा ज़्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मेरे साथ हैं विनोद बंसल जी, डबवाली से हैं जो कि इसका एक प्रमुख हिस्सा और एक किरदार की भूमिका इसमें निभा रहे हैं। बंसल साहब, क्या माना जाए, आपकी मुलाकात पीयूष गोयल जी से हुई है, पूरे आप शिष्टमंडल के साथ आप भी गए थे। सबसे पहले मैं ब्रेकिंग जानना चाहूँगा आपसे, क्या माना जाए, डबवाली की जनता किस तरीके से संतोष व्यक्त करे, कब तक ठहरा वो? धन्यवाद पन्नू जी, हमें सांसद महोदय का फ़ोन आया था कि आपकी मांग मैंने रेल मंत्री जी के पास रखी है, लेकिन मेरे को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आप अपना शिष्टमंडल लेकर मंत्री जी से मिलने के लिए आए। हम जब वहां गए तो मंत्री जी ने हमें पार्लियामेंट हाउस के अपने कार्यालय में समय दिया, हमारी बात बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से सुनी और उन्होंने बताया कि ये शिकायत अकेली आपकी डबवाली की नहीं है, पूरे भारत भर से हमें शिकायतें मिल रही हैं कि हमारी गाड़ियाँ छोटे स्टेशनों पर खड़ी हो रही हैं लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों पर खड़ी नहीं हो रही हैं। इसलिए संसद ने एक संसदीय समिति बनाई है जो इसका रिव्यू कर रही है। आपकी गाड़ी का ठहराव उसी रिव्यू के बाद हो सकेगा और मैं इसके लिए सकारात्मक रुख रखता हूँ और मेरे को ये पता है कि डबवाली स्टेशन की बुकिंग और वो क्या है, उन्होंने उस फाइल पे काम किया हुआ था। तो मतलब अभी तक डबवाली का स्टेशन अंडर रिव्यू है? जी हाँ, अभी तक वो अंडर रिव्यू है क्योंकि पूरे भारत की गाड़ियों को उन्होंने रिव्यू करना है, उसके बाद इसके बारे में फैसला करेंगे। और क्या क्या विनोद जी माना जाए, जब ट्रेन का जब टाइम टेबल बना था तो क्या उस वक्त भी सुजेशन में डबवाली का स्टेशन था, क्योंकि बात की जाए पीले बंगा है, संगरिया है, वहाँ के सांसद ने चुटकी से काम करवा लिया और हमारे सांसद जी भी अब तक तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या पहले प्रयास इनकी तरफ से था? हमें जब इसके विस्तार के परिचालन का जब पता लगा दिनांक 11 फरवरी को, उस दिन हमें पता लगा कि डबवाली, पीली बंगा और संगरिया का स्टेशन इन्होंने काट दिया है। जब इस गाड़ी के परिचालन का प्रपोजल बना था उसमें डबवाली, संगरिया, पीली बंगा और उसके अलावा लूनकरन सर, लालगढ़ आदि स्टेशन थे, लेकिन कुछ स्टेशन उसमें से काटे गए थे जिसमें डबवाली भी था। लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिली हम लोगों ने उसी वक्त कार्रवाई शुरू की। हमारे विधायक भाई अमित त्याग ने भी रेलवे को पत्र लिखा, सांसद महोदय ने भी पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा, लेकिन हम यह समझ नहीं पाए कि निहाल चंद जी अपने हल्के के दोनों स्टेशन संगरिया और पीली बंगा परिचालन से पहले कैसे करवा गए। जब गाड़ी का परिचालन हुआ, हमारा स्टेशन नहीं आया तो हमारे लोगों में रोष बढ़ने लगा, इसलिए रेल संघर्ष समिति बनाकर हमने इसको रुकवाने के लिए काम किया। एक दिन 2 घंटे का धरना भी हमने दिया, लेकिन उसी बीच सांसद महोदय ने कहा कि मैं प्रयास कर रही हूँ, आप इसको स्थगित करो। सर, आपको क्या लगता है, जब परिचालन की पूरी लिस्ट आउट हो रही थी और आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आपको जब पहली बार टाइम टेबल मिला, आपको लगता है क्या उस बात के दौरान हमारी सिरसा से एमपी सांसद ने कोई प्रयास को दखलंदाजी की थी इस ट्रेन के ठहराव की? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सांसद महोदय को जानकारी होती और वो इसमें दखल देती तो परिचालन से पहले ही इसका स्टॉपेज हो सकता था। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि सांसद महोदय को इसकी जानकारी भी थी या नहीं, क्योंकि डबवाली एक कोने में हरियाणा का एकमात्र स्टेशन है और इसलिए हो सकता है कि सांसद महोदय को इसकी जानकारी भी ना हो कि इस गाड़ी का परिचालन हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है। तो क्या माना जाए, ये जो शिष्टमंडल की वार्तालाप जो मंत्री जी से हुई है,
क्या एक औपचारिकता थी इस बात का एमपी साहब को, पहले ही एमपी मैम को पता था कि ठीक है अब तो सब कुछ अंडर रिव्यू है और वक्त लगेगा भी, लंबा वक्त लगेगा भी? हाँ, ये बात आपकी सही है कि सांसद महोदया को मंत्री जी ने सारी बात बता दी थी, लेकिन लोगों में रोष बढ़ता जा रहा था और सांसद महोदया इसमें अपने आप को मजबूर समझ रही थी भाई मैं लोगों को जवाब क्या दूं, तो उन्होंने शिष्टमंडल को बुला के यह बात साफ करनी चाहिए कि मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन इस मुलाकात से हमें एक फ़ायदा और हुआ कि डबवाली शहर की जो मुख्य समस्याएं थी, जैसे कि इन्होंने हमारा 3 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल बंद करके शहर को 2 भागों में बांट दिया, और एक फुटब्रिज जो सेकंड प्लेटफार्म बना था उस वक्त शहर के लोग गोल बाजार से मीना बाजार की तरफ निकलते थे उसको तोड़ दिया था, हमने उसकी भी चर्चा की, और एक फुटब्रिज अपना पीरखाना और मंदिर के पास बनाने की चर्चा की, और एक अंडरब्रिज बनाने के लिए भी उनसे मांग की, तीसरी सबकी से शहर की बड़ी मांग जो माल लोडिंग स्टेशन को शिफ्ट करने की है वह भी बात रखी। तो उन्होंने फुटब्रिज और अंडरब्रिज के मामले में यह कहा कि आप नगर परिषद से प्रस्ताव पास करवाकर सांसद महोदया के माध्यम से हमें भेजो, हम उस पर विचार करके काम करेंगे। और दूसरा जो है माल लोडिंग स्टेशन के बारे में उन्होंने जानकारी थी कि डबवाली में सांसद महोदया ने ये मांग रखी हुई है पहले संसद में, उन्होंने कहा कि जब हम इसका रिव्यू करने के लिए वहाँ गए थे तो हमारे स्टाफ को वहाँ दो शहर के लोग 2 गुटों में बटे दिखे, कुछ लोग कह रहे थे कि माल शिफ्टिंग स्टेशन शिफ्ट होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे भी ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अगर आप लोग कहते हैं कि ये ज़रूरी है तो हम इसको दोबारा सर्वे करवा कर रिव्यू करवा देंगे। हमें गाड़ी चलने के बारे में भी जो दिक्कतें आ रही हैं उस बारे में भी जानकारी मिली, और साथ में शहर की समस्याओं के हल करने के बारे में भी जानकारी मिली और रास्ता बताया गया कि आपकी समस्याएं ऐसे हल होंगी। तो क्या बंसल जी लगता भी वक्त लगेगा जम्मू तवी के ठहराव को, अभी सब्र बांध कर रखना होगा डबवाली के लोगों को? हाँ बिल्कुल, अभी समय लगेगा, लगता है इसमें 2-3 महीने का समय लग सकता है, और अगर कोई दिक्कत आई तो रेल संघर्ष समिति दोबारा संघर्ष करने को तैयार रहेगी, और उस वक्त हमें सांसद महोदय ने भी यह भरोसा दिलाया है कि मैं जिस काम के पीछे लग जाती हूँ वो काम करवा के छोड़ती हूँ, इसलिए हाँ चाहे वक्त लग जाए लेकिन मैं काम करवा के छोड़ती हूँ, और अब देखते हैं सांसद महोदय कितना काम करवा सकती हैं, और मैं इस बात के लिए सांसद महोदय और हमारे विधायक अमित त्याग का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए सहयोग किया। बातचीत के लिए शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ डबवाली से विनोद बंसल जी, जो बता रहे थे उसी शिष्टमंडल का हिस्सा थे। अभी तक आपको सबर का बांध और मजबूत करना होगा क्योंकि डबवाली में जम्मू तवी ट्रेन का ठहराव अभी तक आपको और भी इंतज़ार की ओर लेकर जाएगा क्योंकि काफ़ी वक्त लग सकता है, और लेकिन हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सिरसा से सांसद और डबवाली से प्रशासनिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर और रेलवे संघर्ष समिति के सहयोग से और तमाम शहरवासियों के सहयोग से इस जम्मू तवी के सफ़र का आनंद है लोगों को वो लेने को मिलेगा। और अच्छी बात थी डबवाली के लिए, खुशी की बात थी कि इस ट्रेन से अब सफ़र वो चुटकी में साफ कटेगा आपको और एक अच्छे तरीके से आपको एक आनंदित सफ़र मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे सांसद सोए रह गए और राजस्थान के सांसद की चुस्ती फुर्ती उस स्टेशनों पर भी ठहराव करवा गई जो सबसे छोटे थे। लेकिन अब सिरसा सांसद की ओर से ये आश्वासन दिया गया कि वो जिस काम को पकड़ते हैं उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये पीछा अब कैसे छूटेगा, कैसे ट्रेन रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।